من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عز وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من يا حتى ما طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عتينا فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانعك هو الأبتر. صدق الله मन की जागीर पे इरकान का पहरा कर दे. मन की जागीर पे इरकान का पहरा कर दे. पहले इरफान वेला और भी गहरा कर दे. पहले इरफान वेला और भी गहरा कर दे. तूने दी है ना अली बोलने वाली ये ज़ुबान. तूने दी है ना अली बोलने वाली ये ज़ुबान. जो अली सुन नहीं सकते उन्हें बहरा कर दे. जो अली सुन नहीं सकते उन्हें बहरा कर दे. बाबा सिबलाना सिलवा बकाए दीने खुदा की दलील होना था. अली के लाल को फकरे फलील होना था. और यजीद शाम ने मांगी थी इसलिए बैत. यजीद शाम ने मांगी थी इसलिए बैत. इसे हुसैन के हाथों जलील होना था. इसे हुसैन के हाथों जलील होना था. नस्ल वक्त अजब शान है हुसैन तुम्हारे लश्कर की. अजब शान है हुसैन तुम्हारे लश्कर की. कहाँ से ढूंढ के लाऊं मिसाल असगर की. कहाँ से ढूंढ के लाऊं मिसाल असगर की. सितारा अब भी फजर का उदास रहता है. सितारा अब भी फजर का उदास रहता है. सुनाई देती हैं अब भी अजान अकबर की. सुनाई देती हैं अब भी अजान अकबर की. नाए सुनवा आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह. आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह. एक अकेले नज़र आने लगे लश्कर की तरह. एक अकेले नज़र आने लगे लश्कर की तरह. उनको जंग करने की इजाज़त न मिली थी वरना.
उनको जंग करने की इजाज़त न मिली थी, वरना करबला हाथ में होती दर खैबर की तरह, करबला हाथ में होती दर खैबर की तरह। ना सलवात एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक शेर हाजिर कर रहा हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं कि सरे दस्ते पैंबर आयतों की शान आया है, कि क़ुरान पर अब दूसरा क़ुरान आया है। ये मेरी अशरफियत है कि तेरे दर पाए मौला मैं पहले से खड़ा हूँ, बाद में रिजवान आया है। ये मेरी अशरफियत है कि तेरे दर पाए मौला मैं पहले से खड़ा हूँ, बाद में रिजवान आया है। मैं पहले से खड़ा हूँ शबे हिजरत रज़ाए हक से करके नफ्स का सौदा, शबे हिजरत रज़ाए हक से करके नफ्स का सौदा। अली को बिस्तरे अहमद पर इत्मीनान आया है, शबे हिजरत रज़ाए हक से करके नफ्स का सौदा। अली को बिस्तरे अहमद पर इत्मीनान आया है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो एक शख्स जिसे करबला से प्यार नहीं, वो एक शख्स जिसे करबला से प्यार नहीं, किसी का होगा हमारा वो रिश्तेदार नहीं। वो एक शख्स जिसे करबला से प्यार नहीं, किसी का होगा हमारा वो रिश्तेदार नहीं, किसी का होगा हमारा वो रिश्तेदार नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़माना हो रहा है बेहिजाब आहिस्ता आहिस्ता, ज़माना हो रहा है बेहिजाब आहिस्ता आहिस्ता, खुदा भेजेगा दुनिया में अजाब आहिस्ता आहिस्ता। ज़माना हो रहा है बेहिजाब आहिस्ता आहिस्ता, खुदा भेजेगा दुनिया में अजाब आहिस्ता आहिस्ता। दरे हैदर पा जाओ अभी भी वक्त है, वरना ये दुनिया तुमको कर देगी खराब आहिस्ता आहिस्ता। दरे हैदर पा जाओ अभी भी वक्त है, वरना ये दुनिया तुमको कर देगी खराब आहिस्ता आहिस्ता। फराज इस तरह सरवर शाम के लश्कर तलक आए, फराज इस तरह सरवर शाम के लश्कर तलक आए। चला करता है जैसे आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता, चला करता है जैसे आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता। आइए हजरात, अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ आली जनाब मौलाना सैयद अता मेहदी ज़ैद पूरी साहब की खिदमत में कि वो बरसरे मिंबर आएँ और अपने बयान से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हजरात इनके इस्तकबाल में बआवाज़ बुलंद सलावात पढ़ें। हज़रात मत सुर अलहमदीन मद सुर तोहीद इतलात फरमा कर मेराज हैदर इब्न रफ़ीक़ हुसैन, दिलशाद हैदर इब्न रफ़ीक़ हुसैन, नायाब हैदर इब्न रफ़ीक़ हुसैन, निगार फ़ातिमा बिनत मोहम्मद अकील की रूह को इसाल फरमा दें। العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السيد المبيد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدَ فَقَدْ قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا برادرانی مانی قبل اس کے بیان کا آغاز کیا جائے فضا سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے بڑھائیں تو یہ بیچ کا خلا پر ہو جائے ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد قرآن حکیم کی انتہائی مشہور و معروف آیت جسے اس مختصر سی مجلس کے لیے عنوان بیان قرار دیا گیا پروردگار عالم پیغمبر اسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے والا تھا ہی. قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا اور وہ اصول یہ ہے کہ ہمیشہ حق باطل کے مقابلے میں باطل حق کے مقابلے میں آئے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ حق کی فتح ہوگی اور باطل کی شکست ہوگی. کبھی بھی حق کے مقابلے میں باطل فاتح نہیں ہو سکتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. پروردگار عالم نے باطل کے حق میں شکست لکھ دی اور حق کے حق میں فتح کا اعلان کیا ہے. دنیا میں کوئی بھی زمانہ اور کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان میں جنگ نہ ہوئی ہو. دنیا میں جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے کوئی اختلاف ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو دنیا کے ہر جھگڑے میں دنیا کے ہر اختلاف میں ایک حق کے اوپر ہوتا ہے دوسرا باطل کے اوپر ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دونوں حق کے اوپر ہیں تو جہاں دونوں حق کے اوپر ہوتے ہیں وہاں جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے. جھگڑا وہیں ہوگا کہ جہاں ایک سچا ہوگا اور دوسرا جھوٹا ہوگا. جو سچا ہوگا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا. جو حق کے اوپر ہوگا اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہوگا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دونوں حق کے اوپر ہیں دونوں سچے ہیں تو دونوں حق کے اوپر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ایک حق کے اوپر ہوگا ایک باطل کے اوپر ہوگا. عالم اسلام جہاں بہت سے دلائل دیتا ہے گروہ باطل جہاں بہت سے دلائل دیتا ہے کہ ہم حق کے اوپر ہیں وہاں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ حق پر اگر ہیں تو دونوں آمنے سامنے کیسے جنگ صفین میں آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حق کے اوپر نہیں تھے. اگر حق پر ہوتے دونوں تو تلواریں نہ کھینچتی آپس میں مصالحت ہوتی. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا حق ہمیشہ فاتح ہوگا. دنیا میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہتا ہے کہ جو حق کی نمائندگی کرتا ہے. دنیا میں ایک گروہ ہمیشہ رہا ہے جو باطل کی نمائندگی کرتا ہے. لہذا حق و باطل کی جنگ یہ اتنی طویل جنگ ہے کہ اس کے لیے ایک مجلس کافی نہیں ہے بلکہ اگر خمسہ پڑھا جائے عشرہ پڑھا جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگا. مختصر یہ ہے کہ جب جب حق کے مقابلے میں جب جب باطل کے مقابلے میں حق آیا ہے
तो उसका नतीजा यह हुआ कि हमेशा बातिल की शिकस्त हुई है, हक़ की फतह हुई है। आप तारीख़ इंसानियत को उठा के देख लीजिए, आप तारीख़ बशरियत को उठा के देख लीजिए, तारीख़ बशरियत गवाह है, तारीख़ इंसानियत गवाह है, तारीख़ अंबिया गवाह है कि जब जब भी बातिल हक़ के मुकाबले में आया है तो हक़ फाते हुआ है, बातिल की शिकस्त फाश हुई है। लिहाजा हक़ व बातिल की जंग वहीं से शुरू हो गई कि जहाँ से इंसानियत की इब्तिदा है, जहाँ से आदमियत की इब्तिदा है। हज़रत आदम जो रूए ज़मीन के ऊपर अल्लाह के पहले खलीफा थे, इधर हज़रत आदम की खिलाफत का ऐलान किया गया, अभी पुतला बनाया भी नहीं गया। कुदरत ने अपने मंसूबे का ऐलान किया था, बस जैसे खालिक ने अपने मंसूबे का ऐलान किया, फौरन एक बातिल परस निकल के सामने आ गया और उसने ये कहा कि परवरदिगार, देखिए दो चीज़ें उसने रखीं हज़रत आदम के मुकाबले में, एक तो अपनी बुज़ुर्गी के मसले को रखा और दूसरे अपने को वो आला ज़ात का कह रहा था। देखिए दुनिया में जब भी झगड़े होते हैं तो झगड़े की बुनियाद बस यही दो चीज़ें होती हैं, या आला और अदना के नाम के ऊपर झगड़ा होता है, या बुज़ुर्ग और खुर्द के नाम के ऊपर झगड़ा होता है। एक सलावात भेजिए मोहम्मद को आले मोहम्मद। हम बुज़ुर्ग हैं, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, हम ऊँचे हैं, ये नीचे हैं, हम सुल्तान हैं, ये गदा हैं, हम अमीर हैं, ये गरीब हैं, ये वही मेयार हैं जो शैतान ने हज़रत आदम के मुकाबले में बनाए थे। वहाँ ये कहा था कि हम आग से पैदा हुए हैं और ये मिट्टी से हमारे सामने इसका पुतला बना और हमसे सजदे का हुक्म दे रहा है। तो अब कुरान क्या कह रहा है, फसजद इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, सब ने सजदा किया मगर नहीं सजदा किया तो शैतान ने, क्यों नहीं किया, इसलिए कि क़यामत तक के लिए काफिरों में से हो गया। क्यों सजदा नहीं किया, इसलिए कि वो गुरूर में आ गया, वो घमंड का शिकार हो गया। देखिए अब ये बलागत कुरानी है, क्योंकि जनाब आदम के मुकाबले में पहला बातिल परस शैतान है जो मुकाबले में आया है, लिहाजा आज जो उसूल बनेंगे ये उसूल हज़रत आदम के लिए नहीं बनेंगे, बल्कि क़यामत तक के लिए खिलाफत इलाहिया के उसूल बना दिए जाएंगे। अब क़यामत तक जब भी खिलाफत इलाहिया का फ़ैसला होगा तो इन्हीं उसूलों के तहत होगा, जिन उसूलों की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने आदम को ज़ेवर खिलाफत से आरास्ता किया था, पैराहन खिलाफत से आरास्ता किया था। अब वो उसूल क्या है, देखिए शैतान जब आदम के मुकाबले में आया तो कुरान कह रहा है फसजद इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। यहाँ दो लफ्ज़ें पेश की गई हैं, एक अबा पेश किया गया है, दूसरे कहा गया वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। अबा के मानी तो गुरूर के हैं, अगर अबा के मानी गुरूर के हैं तो फिर वस्तकबरा के क्या मानी हैं। आम तौर से तर्जमा करने वाले अबा का भी तर्जमा गुरूर से कर देते हैं और वस्तकबरा का भी तर्जमा कर देते हैं गुरूर और तकब्बुर से। हकीकत यह है कि अगर दोनों के मानी एक होते तो जब अबा कह दिया गया था तो फिर वस्तकबरा कहने की ज़रूरत नहीं थी। ये फसाहत कुरानी है, बलागत कुरानी है कि कुरान में अल्फाज और लफ्ज़ों की तकरार नहीं की जाती है। अगर कहीं के ऊपर एक ही मानी से जुड़े हुए दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल है तो पहले लफ्ज़ से मुराद कुछ और होगा, दूसरे लफ्ज़ के मानी कुछ और होंगे। अगर दोनों के एक ही मानी होंगे तो फिर बलागत कुरानी के ऊपर हर्फ आ जाएगा। लिहाजा अगर अबा के मानी गुरूर के हैं तो फिर वस्तकबरा के मानी गुरूर के नहीं हो सकते। अब वस्तकबरा के मानी क्या हैं, अबा के मानी तो गुरूर के हैं मगर वस्तकबरा के मानी क्या हैं,
देखिए वस्तक बरा बना है किब्र से, इसका मादा है किब्र, किब्र यानी बड़ा, बड़ाई। जब इंसान अपनी बड़ाई को बयान करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनी बुजुर्गी का इजहार करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये तकब्बुर में आ गया। तकब्बुर का मतलब यह है कि सामने वाले को छोटा समझ रहा है, अपने को बड़ा समझ रहा है। लिहाजा वस्तकबरा के मानी गुरूर के नहीं है, वस्तकबरा का मतलब यह है कि वो अपने को आदम के मुकाबले में बड़ा समझ रहा था, अपने को इस्तकबर समझ रहा था। देखे दुनिया में बातिल के मुकाबले में, जब भी हक के मुकाबले में जब भी कोई ताकत आती है तो वो हमेशा इस्तकबारियत का मुजाहिरा करती है, यानी ये कहती है कि हम बड़ी ताकत हैं, हम बड़ा गरोह हैं। ये इस्तकबार का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है हक के मुकाबले में, ये वही लफ्ज है जो आदम के मुकाबले में शैतान ने इस्तेमाल किया था और कहा था कि हम बड़े हैं। बस जहां जहां हक के मुकाबले में बड़े होने का तकब्बुर आ जाए, बड़े होने का तसव्वुर आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये गरोह शैतान से ताल्लुक रखता है। एक सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा वस्तकबरा का मतलब वही है जो किब्र का मतलब है, जो अकबर का मतलब है। इसी से बना है इस्तकबर, इसी से बना है इस्तकबार, इसी से बना है वस्तकबरा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि शैतान गुरूर में आ गया और अपनी बुजुर्गी और बड़ाई का शिकार हो गया। जब बुजुर्गी और बड़ाई का शिकार हुआ है तो अल्लाह ने कहा कयामत तक के लिए वो काफिर हो गया, मर्दूद बारगाह हो गया। बस अजीजो आदम के मुकाबले में शैतान ने दो चीज़ों को रखा था, एक तो अदना ज़ात और आला ज़ात के मसले को रखा था और दूसरे अपनी बुजुर्गी को रखा था। और इसी बात को कुरान कह रहा है अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। मगर क्या किया जाए, पहली ही मंजिल खिलाफत के ऊपर अल्लाह ने शैतान की बुजुर्गी को कबूल नहीं किया, तो अब कयामत तक इलाही नुमाइंदे के मुकाबले में अगर किसी की बुजुर्गी पेश की जाएगी तो अगर हमसे सवाल किया जाए बुजुर्ग को क्यों नहीं मानते हो, जब हक के नुमाइंदे के मुकाबले में अल्लाह ने बुजुर्गी शैतान की कबूल नहीं की, जब आदम के मुकाबले में शैतान की बुजुर्गी को अल्लाह ने रद्द कर दिया है, तो फिर उम्मत मुस्लिमा हमसे क्यों सवाल करती है। यही वजह थी, यही इस्तकबरा का दायरा था जो यहां तक पहुंचा है। जो शैतान ने कहा था कि हम बुजुर्ग हैं इसलिए इसका सजदा नहीं करेंगे, जब पहला जलसा हुआ है तो उस पहले जलसे में एक ने दूसरे से कहा कि उम्मत में आपसे ज्यादा बुजुर्ग कोई है ही नहीं, आप अपना हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। सवाल यह पैदा होता है जब आदम के मुकाबले में शैतान की बुजुर्गी खुद खुदा ने नहीं मानी, तो फिर मौला अली के मुकाबले में हमसे बुजुर्गी मानने के लिए क्यों कहा जाता है। एक सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये पहला झगड़ा है, ये पहला इख्तिलाफ है जहाँ शैतान ने हजरत आदम से इख्तलाफ किया और खिलाफत इलाहिया से टकराया, अदालत इलाहिया से टकराया, जिसकी नतीजे में शैतान की शिकस्त हो गई, आदम फाते करार पाए हैं। अब ये शैतान है क्या जिसे शैतान कहते हैं, जब आदम के मुकाबले में आया और ये मर्दूद बारगाह हो गया, ये बारगाह से निकाल दिया गया, तो इसने एक अर्जी लगाई और बहुत ही तूलानी गुफ्तगू हो जाएगी, और उसमें इसने कहा कि उस दिन तक की मोहलत दी जाए
जिस दिन को तूने रोज़े सज़ा हो जदा करार दिया है। अल्लाह ने कहा कि अगर तू मोहलत मांग रहा है तो मैं तुझे मोहलत दे रहा हूँ। कब तक के लिए? वक्त मालूम तक के लिए मोहलत दे रहा हूँ। अब उसके बाद जब ये वहाँ से निकला है तो इसने कहा, परवरदिगार अब जब तूने मोहलत दे दी है तो मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अब यहाँ पे कभी कभी गलत फहमी हो जाती है बाद हजरात को कि वो ये कह देते हैं कि अल्लाह ने ये कहा कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। हकीकत यह है कि अल्लाह ने नहीं कहा है, खुद शैतान ने कहा है कि जो तेरे मुखलिस बंदे हैं वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। लिहाजा शैतान ने एतराफ़ किया कि जो तेरे मुखलिस बंदे हैं वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। लिहाजा जब इसको बहकाने का लाइसेंस मिल गया और मोहलत वक्त मालूम तक के लिए मिल गई, तो अब जब ये दुनिया में आया तो इसने बहकाने का ना काम किस तरीके से किया है? आदम के बाद, जो कि आदम के मुकाबले में इसकी शिकस्त हो गई, लिहाजा आदम के बाद अब इस चेहरे से तो यह सामने आ नहीं सकता था, इसलिए कि इसका चेहरा जाहिर हो गया था। जब चेहरा जाहिर हो जाता है तो फिर आदमी पहचान लिया जाता है, किरदार पहचान लिया जाता है, तो आदमी धोखा नहीं खाता है कि ये वही है जो आदम के मुकाबले में आया था, शिकस्त खा गया था। लिहाजा शैतान ने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया, बहकाना शुरू किया, तो अपना चेहरा नहीं पेश किया, कभी नमरूद का चेहरा पेश किया, कभी फिरौन का चेहरा पेश किया, कभी शद्दाद का चेहरा पेश किया, कभी यजीद का चेहरा पेश किया। उस दिन से आज तक बातिल आ रहा है हक के मुकाबले में, मगर कभी एक चेहरे के साथ नहीं आता है, हमेशा चेहरे बदल लेता है। ये चेहरे बदल बदल के हक के मुकाबले में बातिल क्यों आ रहा है? बातिल का मरकजी किरदार एक है जिसे शैतान कहते हैं। शैतान अपने चेहरे में नहीं आता है बल्कि चेहरा बदल लेता है, कभी फिरौन का चेहरा बन जाता है, कभी नमरूद का चेहरा बन जाता है, कभी यजीद का चेहरा बन जाता है, कभी दूसरे रास्ते से आता है, कभी तीसरे रास्ते से आता है, कभी शक्ल बदल के आता है, कभी नाम बदल के आता है, कभी लिबास बदल के आता है, कभी कयाफा बदल के आता है। यानी इसका काम है बहकाना, ताकि लोग पहचान न सकें कि ये शैतान है। अगर पहचान लेंगे तो जिस तरीके से हाजरा ने भगा दिया था उसी तरीके से सब भगा देंगे। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इसे खतरा यह था कि अगर चेहरा पहचान लिया जाएगा तो जब चेहरा पहचान लिया जाएगा तो सब लाहौल पढ़ के भगा देंगे। लिहाजा ये चेहरा बदल के आने लगा, फिरौन की शक्ल में आया, नमरूद की शक्ल में आया, कभी मर्दों की शक्ल में आता है, कभी औरतों के भेष में आता है, कभी जवानों के भेष में आता है, कभी बूढ़ों के भेष में आता है। ये हर भेष में आके अल्लाह के मुखलिस बंदों को बहकाने की कोशिश करता है, अल्लाह के बरगुजीदा बंदों को बहकाने की कोशिश करता है। मगर जब जब ये चेहरा बदल के आया, चाहे जिस चेहरे के साथ आया हो, हमेशा इसकी शिकस्त हुई है। फिरौन के चेहरे में आया तो क्या फातह बन गया? नमरूद के चेहरे में आया तो क्या फातह बन गया? यजीद के चेहरे में आया क्या फातह बन गया? जिस चेहरे में आया, जिस रुख से आया, इसकी शिकस्त फाश हुई है। लिहाजा फिरौन क्या है? फिरौनियत कुछ नहीं है, नमरूदियत कुछ नहीं है, शद्दादियत कुछ नहीं है, हामानियत कुछ नहीं है, यजीदियत कुछ नहीं है। ये सिर्फ वक्त के साथ बदले हुए नाम है, हकीकत में ये सब शैतानत है। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मुहर्रिक है वो एक ही है, तहरीक चलाने वाला मरकजी किरदार एक ही है जिसे शैतान कहते हैं। अब अजीजो शैतान है क्या? शैतान वो है जो गरोह बातिल का सबसे बड़ा नुमाइंदा है। गरोह बातिल के पास इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, इससे बड़ा कोई किरदार नहीं है, इससे बड़ी कोई शख्सियत नहीं है। लिहाजा शैतान जिसे कहते हैं, शैतान
वो है कि अगर तन्हा शैतान आपको कहीं मिल जाए तो इसके अंदर नमरूदियत भी मिल जाएगी, इसके चेहरे से फिरौनियत भी टपकती हुई मिल जाएगी, इसके चेहरे से यजीदियत भी टपकती हुई मिल जाएगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिरौन को देखना है तो शैतान के चेहरे को देखो, नमरूद को देखना है तो शैतान के चेहरे को देखो, शद्दाद को देखना है तो शैतान के चेहरे को देखो, यजीद को देखना है तो शैतान के चेहरे को। दुनिया के जितने जालिम बादशाह हैं अगर उनके चेहरों को देखना है तो अलग अलग न देखो, तन्हा शैतान के चेहरे को देखो। तो ज़रूरत इस बात की थी जब गरोहे बातिल के पास ऐसा नुमाइंदा है, ऐसा एक मरकजी किरदार है कि जहाँ तमाम बातिल परस्तों के ताकतें और कमाला सिमटे हुए हैं, तमाम बातिल परस्तों के खसूसियात सिमटे हुए हैं। अगर आदम के बाद किसी भी जालिम को देखना है तो शैतान ही का चेहरा देख लो, तमाम जालिम समझ में आ जाएंगे एक चेहरे में। तो ज़रूरत इस बात की है कि गरोहे हक के पास भी एक मरकजी किरदार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 1,24,000 अंबिया के कमाला सिमट के आ जाए। तो अब वो चेहरा कौन सा है? अगर गरोहे बातिल में शैतान जैसा मरकजी किरदार है कि जिसके अंदर आपको नमरूदियत भी मिल जाएगी, फिरौनियत भी मिल जाएगी, यजीदियत भी मिल जाएगी, तो कोई ऐसा किरदार और चेहरा होना चाहिए कि जिसके किरदार में आदम का किरदार भी मिल जाए, मूसा के कमालात भी मिल जाए, ईसा की रूहानियत भी मिल जाए, 1,24,000 अंबिया के सिफात भी मिल जाए और उनके खुसूसियात भी मिल जाए। इसीलिए किसी और ने नहीं, खुद पैगंबर ने फरमाया है कि अली के चेहरे को देखो, इसलिए कि इस चेहरे को देखने का नतीजा यह है कि तुम्हें इबादत का शरफ हासिल होगा। क्यों इबादत का शरफ हासिल होगा? यही एक चेहरा ऐसा है कि जिसमें आदम का जलाल भी मिलेगा, जिसमें मूसा की हैबत भी नजर आएगी, जिसमें 1,24,000 अंबिया के जुमला कमालात भी मिल जाएंगे। यानी पैगंबर ने बता दिया, अगर गरोहे बातिल का नुमाइंदा शैतान है तो कयामत तक के लिए गरोहे हक का मरकजी किरदार अली इब्ने अबी तालिब है। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बड़ा गरोहे हक गरोहे हक के पास इससे बड़ा कोई नुमाइंदा किरदार नहीं है जिस किरदार को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। लिहाजा गरोहे हक के मुकाबले में बातिल चाहे जिस शक्ल सूरत में आता है, हमेशा बातिल की शिकस्त होती है, कभी हक के नुमाइंदे की शिकस्त नहीं हुई। हक का नुमाइंदा हमेशा फाते करार पाता है। अब अजीजो, तारीख अंबिया आपके सामने खुली हुई है। तारीख अंबिया क्या कह रही है? आदम के मुकाबले में शैतान आया, शिकस्त हुई है। अब इब्राहिम के मुकाबले में जब नमरूद आया, अगर इब्राहिम जल के खाक हो जाते तो यकीनन इब्राहिम शिकस्त खा जाते, मगर आग का गुलजार में तब्दील हो जाना इस बात की अलामत है कि नमरूद शिकस्त खा गया, इब्राहिम फातेह करार पाए हैं। अजीब बात थी कि जनाब इब्राहिम को जब गिरफ्तार करके लाया गया मिंजनीक के ज़रिए, उस लकड़ी के हिमालिया के ऊपर पहुंचाने के लिए, शोलों के दरमियान में फेंकने के लिए, तो मिंजनीक है क्या? मिंजनीक कुछ नहीं है, एक रस्सी लाई गई। जिस तरीके से हमारे यहाँ छोटे बच्चे किसी ढेले में तागा बांध के लंगड़ बनाते हैं और किसी चीज़ को खींचने की कोशिश करते हैं पूरी ताकत के साथ, उस लंगड़ को वो फेंकते हैं और जहाँ तक उनकी ताकत होती है उसी ताकत को और तवानाई के एतबार से उतनी ही बुलंदी के ऊपर वो लंगड़ वो ढेला पहुँच जाता है। यही सूरत हाल मिंजनीक भी है कि जनाब इब्राहिम को उस रस्सी में बांधा गया और बांधने के बाद
बहुत से लोगों ने पूरी ताकत के साथ हजरत इब्राहिम को उस लकड़ी के हिमालिया के ऊपर फेंक दिया। अब जब वहाँ पहुँचे तो जनाब इब्राहिम से जिब्राइल ने सवाल किया, ए इब्राहिम कोई ख्वाहिश है? कहा हाँ ख्वाहिश तो है, मगर तुमसे ख्वाहिश नहीं है, जिससे ख्वाहिश है। अब ये इत्मीनान नफ्स खलील का आलम यह था, अगर मैं होता तो पैर पकड़ लेता कि इस वक्त ख्वाहिश पूछ रहे हो, सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि हमारी जान बचाई जाए। लिहाजा हजरत इब्राहिम ने यह सब कुछ नहीं कहा, कहा ख्वाहिश है, तमन्ना है, हाजत है, मगर जिससे हाजत है उससे हाजत है, तुमसे हाजत नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ? अब जो आग बुझी तो आग इस तरीके से बुझी कि जो लिबास जनाब इब्राहिम पहन के आए थे उस लिबास के ऊपर आग तो जाने दीजिए आँच का भी असर नहीं था, धुएँ का डब्बा भी नहीं था, और दूसरी तरफ वो रस्सी जो जिस्म इब्राहिम में बांधी गई थी, जो फिरौन वाले लेके, जो नमरूद वाले लेके आए थे, वो रस्सी जल के खाक हो गई, भस्म हो गई। तो इससे पैगाम क्या गया है? ये जब दुनिया वाले रस्सी का इंतखाब करते हैं तो अल्लाह और हक के मुकाबले में रस्सी भी जल के खाक हो जाती है, अगर दुनिया वाले इंसान का इंतखाब करेंगे तो वो इंसान कहाँ बचेगा। एक सलावत लिए मोहम्मद वाले। लिहाजा रस्सी जल के खाक हो गई, वो रस्सी नमरूद वाले लेके आए थे, मगर हजरत इब्राहिम के लिबास के ऊपर धुएँ का असर भी नहीं हुआ। क्यों धुएँ का असर नहीं हुआ? इसलिए कि लिबास नमरूद वालों ने नहीं दिया था, अगर नमरूद वालों ने दिया होता या नमरूद ने दिया होता तो लिबास जल के खाक हो जाता, मगर लिबास बाकी क्यों रहा? इसलिए कि लिबास तो इब्राहिम घर से पहन के आए थे, लिहाजा रस्सी दुनिया का इंतखाब है, लिबास नबी का इंतखाब है। अल्लाह ने बता दिया दुनिया का इंतखाब बातिल होता है, जो फना हो जाता है, हमारा और नबी का इंतखाब हक का इंतखाब होता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। लिहाजा ये पहला मौका है कि जहाँ पर अल्लाह ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत और कुदरत और जलाल का मुजाहिरा किया और ये बता दिया कि देखो हम जिसे बचाना चाहते हैं दुनिया की कोई ताकत उसे ख़त्म नहीं कर सकती। अब तारीख़ अंबिया फिर आगे बढ़ी, वो जनाब मूसा कि जो अपने साथियों के साथ निकले जनाब मूसा फिरौन और फिरौन वालों से नजात दिलाने के लिए, खुद भी निकले अपने साथियों को लेके चले। अब जब फिरौन जनाब मूसा अपने साथियों को लेके चले तो फिरौन और फिरौन वालों ने उनका ताकुब किया, जब पीछा किया तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा तुम इस दरिया के ऊपर अपना असा मारो। जब मूसा ने असा मारा तो 12 रास्ते पैदा हो गए। जैसे ही 12 रास्ते पैदा हुए, जनाब मूसा और मूसा वाले उन रास्तों से गुजर गए। अब अजीज़ों ये सब तारीखी हकायक हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा मूसा को नजात दिलाई गई तो 12 रास्ते बना के नजात दिलाई गई है। क़यामत तक के लिए उसूल बना दिया गया कि जब 12 रास्तों के ऊपर चलोगे तब नजात होगी, इसीलिए यही रास्ते तुम्हारे लिए हिदायत और नजात का सबब होंगे। आज आलम इस्लाम कहता है जब सबका रास्ता एक है तो फिर नजात सबकी हो जाना चाहिए। कुरान एक है, शरीयत एक है, खुदा एक है, तौहीद एक है, काबा एक है, क़िबला एक है, सबके रास्ते एक हैं, लिहाजा सबकी नजात हो जाएगी। और उनका अकीदा भी यही है कि अगर एक मसल्ले के ऊपर अमल कर लिया जाए तो नजात हो जाएगी। सबके रास्ते एक हैं, सब क़यामत के दिन अल्लाह के बारगाह में पहुँचेंगे, सब बख्श दिए जाएंगे, सबकी माफ़ी हो जाएगी, सबका सब कुछ कबूल कर लिया जाएगा। मगर जनाब मूसा और फिरौन के वाक़े ने बताया कि रास्ते के बुनियाद पे नजात नहीं होगी, क़यादत की बुनियाद पे नजात होगी। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़यादत की बुनियाद पे नजात होगी।
अजीज़ो अगर जनाब मूसा तन्हा निकल जाते तो बात कुछ और थी, मगर मूसा तन्हा नहीं निकले। अगर अल्लाह ने नजात मूसा को दी है तो मूसा वालों को भी नजात दी है। ऐसा नहीं था कि खाली मूसा निकल जाते और मूसा वाले बच जाते। और अगर गर्क किया गया तो तन्हा फिरौन को गर्क नहीं किया गया, फिरौन वाले भी गर्क हुए हैं। और तारीख गवाह है कि फिरौन के लश्कर का जब तक आखिरी सिपाही बीचों बीच दरिया में आ नहीं गया तब तक रास्ते ख़त्म नहीं किए गए। जब आखिरी सिपाही भी बीचों बीच दरिया में आया तब दरिया में हचकोले शुरू हुए हैं, तब लोग डूबना और गर्क होना शुरू हुए। यह आखिरी सिपाही का इंतज़ार क्यों किया गया? कयामत तक के लिए खुदा ने बता दिया है कि देखो रास्ते के बुनियाद पर नजात नहीं होगी, क़यादत की बुनियाद के ऊपर नजात होगी। जिनकी क़यादत मजबूत और मुस्तहकम होगी हमेशा वो काफिले मंजिल के ऊपर पहुँचते हैं, जिनकी क़यादत कमज़ोर होती है वो उसी तरीके से गर्क हो जाएंगे जैसे फिरौन के साथ फिरौन वाले गर्क हो गए हैं। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले। लिहाजा जनाब मूसा को नजात दी गई, जिन रास्तों के ज़रिए मूसा निकले थे उन्हीं रास्तों के ऊपर चला फिरौन तो गर्क हो गया। फिरौन का गर्क हो जाना इस बात की अलामत है कि फिरौन शिकस्त खा गया, मूसा फातह करार पाए। अब जनाब मूसा को जब फतह हासिल हो गई, कामयाबी हासिल हो गई, दरिया अबूर करके उस मंजिल की तरफ पहुँच गए, इस किनारे से उस किनारे के ऊपर पहुँच गए, जब पहुँचे तो वहाँ के ऊपर कह क्या रहा है कि मूसा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि मूसा वाले पीछे रह गए और मूसा जल्दी जल्दी आगे निकल गए। अल्लाह ने सवाल किया कि ए मूसा तुम जल्दी जल्दी आगे क्यों निकल आए, तुम्हारे पीछे जो लोग चल रहे थे वो पीछे क्यों रह गए? तो जनाब मूसा ने जवाब दिया कि ए परवरदिगार मैं जल्दी जल्दी आगे इसलिए निकल आया ताकि तू मुझसे राजी रहे, तू मुझसे राजी रहे। तो अब यहाँ अंदाज़ा लगाइए कि फिरौन जैसे जालिम को शिकस्त देने के बाद जनाब मूसा कह रहे हैं ए परवरदिगार तू मुझसे राजी रहे। अब मंजिला समझ लीजिए, दराजा समझ लीजिए और बुलंदी समझ लीजिए। उलुल आज़म नबी जब दरिया उबूर करके पहुँचा तो कह रहा है ए परवरदिगार मैं आगे आगे इसलिए निकल आया ताकि तू मुझसे राजी रहे। और उधर कुदरत क्या कह रही है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना तुर्जी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। ये मूसा का मकाम है, वो फख्र मूसा का मकाम है। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहीं से अंदाज़ा होता है कि मूसा को फतह हासिल हुई है, मगर वो फतह और है। फ़ख्र मूसा हुसैन ने जो फतह हासिल की है वो उस फतह की मंजिल और है। जनाब मूसा फातह करार पाए। अब इसके बाद तारीख अंबिया और आगे बढ़ी। 1,24,000 अंबिया की तारीख को इस मुख्तसर सी मजलिस में नहीं बयान किया जा सकता है। पैगम्बर इस्लाम का ज़माना आ गया। पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में पैगंबर से कम 90 जंगें हुई हैं। जब तक हमारा नबी मक्के में रहा कोई जंग नहीं हुई। पैगंबर इस्लाम से मक्के की ज़िंदगी में कोई जंग नहीं हुई। पैगंबर जब मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लाए तो पैगंबर इस्लाम के ऊपर 90 जंगें थोप दी गईं। थोपी इसलिए गईं कि जो तहरीक मक्के के शहर में महदूद थी वो तहरीक निकल के मदीने में आ गई। जब मदीने में आ गई तो यहाँ पाबंदियाँ नहीं थीं, वो तहरीक पूरे अरब में फैलने लगी। जब पूरे अरब में तहरीक फैलने लगी तो मुशरिकीन मक्का ने कहा ये तो बहुत बुरा हो गया, कम से कम यहाँ थे तो इनके पैगाम मक्के से बाहर हम नहीं निकलने देते थे, अब ये मदीने चले गए तो इनके पैगाम पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, पूरे अरब में फैल रहे हैं, इनके रवाबित तो बढ़ रहे हैं, तो क्या किया जाए? कहा बस एक रास्ता है कि मिल के चढ़ाई की जाए और इन सबको कत्ल कर दिया जाए। जब सब कत्ल हो जाएंगे
कोई नहीं बचेगा तो इनकी तहरीक ही ख़त्म होगी। लिहाजा जंग बद्र इसका पहले से कोई मंसूबा नहीं था। अचानक पैगंबर को ख़बर दी गई कि 1000 से ज़ायद अफराद जो हैं मक्के से निकल के मदीने के करीब आ गए हैं और थोड़ी सी दूर के ऊपर जहाँ पे जंग बद्र हुई है वहाँ के ऊपर आके वो अपने खेमे लगा रहे हैं, वो रात में हमला करने वाले हैं। पैगंबर इस्लाम ने अपने नुमाइंदों को भेजा, जंग रोकने की कोशिश की, मगर बहरहाल वो मंसूबा बना के आए थे। और उसके बाद के जब जंग हुई तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनके जितने बड़े बड़े आए थे सब मारे गए। कौन नहीं मारा गया? उनके जितने बड़े बड़े थे, चाहे वो अबू जहल रहे हों चाहे वो दूसरे लोग रहे हों, वो सब मारे गए इसी जंगे बद्र में। और जब मारे गए और ये मक्के वापस गए तो इनकी औरतों ने कहा, ये क्या हुआ, सब सरदार ही मर गए, कोई सरदार ही तुम्हारे पास नहीं बचा, तुम तो गए थे उनको मारने के लिए और सब के सब खुद मर गए, तुम्हारे जितने सरदार थे सब मार दिए गए। यहाँ तक कि अबू सुफियान का एक बेटा भी मौला अली के हाथों कत्ल हुआ था, जिसका नाम हंजला था। ये हंजला इसलिए मौला अली के मुकाबले में आ गया था कि इसका मामू और मामूजाद भाई मार दिया गया था। जब वलीद और वलीद का भाव ये दोनों मार दिए गए तो ये अपने खेमे से बल खाता हुआ निकला और इसने कहा कि हम मामू और मामूजाद भाई का बदला लेंगे। जैसे ही बदला लेने के लिए आया, मौला ने एक ऐसा वार किया कि हंजला का सर इधर हो गया, जिस्म इधर हो गया, यानी जितना बेचैन था मौला अली ने बेचैनी में इतनी ही जल्दी दूर करके जहन्नम में भेज दिया। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले। लिहाजा ये पहली जंग है जो पैगंबर के ऊपर थोपी गई और इस तरह थोपी गई कि जिसके नतीजे में पैगंबर को फतह मिली। हालांकि इधर से भी 80 अफराद शहीद हुए थे, इधर से भी 80 अफराद मारे गए थे, मगर 80 अफराद कुर्बान तो हो गए थे। इसी जंग में पैगंबर इस्लाम के आले कलंदार थे जिनका नाम था उबैदा। उबैदा इस तरह जख्मी हुए कि उसके बाद आपकी वफात हो गई, यानी आप शहीद हो गए। और उसके बाद जनाब हमजा और मौलाए कायनात को भी अलमदार बद्र में बनाया गया था। तो इतनी बड़ी जंग थी कि जहां एक अलमदार ही रसूल का शहीद हो गया और अफराज शहीद हुए, मगर पैगंबर ने शिकस्त नहीं होने दी। कम तादाद में होने के बाद भी पैगंबर फाते रहे, दुश्मन को शिकस्त हुई। और ऐसी शिकस्त हुई जब मक्के पहुंचे हैं तो मर्द औरतें ताने दे रही थीं कि तुम गए थे मोहम्मद का मुकाबला करने के लिए और जितने सरदार थे जब एक ही जंग में तुम खो के आए हो तो आगे जंग क्या करोगे। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितनी जंगे हयात पैगंबर में हुई हर जंग में पैगंबर फाते रहे, किसी जंग में पैगंबर की शिकस्त नहीं हुई है। अब पैगंबर इस्लाम की हयात का एक वाकया जिसे वाकई हिजरत कहते हैं, हो सकता है कि ज़हन इंसानी ठहर जाए और वो ये सोचे कि पैगंबर मक्के से निकले नहीं निकाले गए हैं, पैगंबर मुहाजिर की हैसियत से निकले थे, लिहाजा पैगंबर शिकस्त खा गए। हाँ, पैगंबर यकीनन शिकस्त खा जाते अगर पैगंबर की मुहाजिर वाली हैसियत बाकी रहती। मुहाजिर की हैसियत से निकले ज़रूर थे, मदीने में दाखिल हुए हैं मुहाजिर की हैसियत से, मगर क्या वापस मुहाजिर की हैसियत से आए थे? अगर वापस मुहाजिर की हैसियत से आए होते तो यकीनन पैगंबर की शिकस्त हो जाती। जो रसूल मक्के से निकला था मुहाजिर की हैसियत से, जब सुलह हुदैबिया के बाद दाखिल हुआ है तो मुहाजिर की हैसियत से नहीं, फातह मक्का की हैसियत से दाखिल हुआ है। यानी पैगंबर ने बता दिया कि निकले थे मुहाजिर की हैसियत से, आए हैं फातह की हैसियत से। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर को किसी मारके में शिकस्त नहीं हुई, हर मारके में पैगंबर फाते रहे। पैगंबर इस्लाम के बाद मौला अली से जितनी जंगें हुई, चाहे वो जंगे सिफीन हो, चाहे जंगे नहरवान हो, चाहे जंगे जमल हो, हर जंग में मौला फाते रहे, हर मुबाहसे में मौला फाते रहे, हर मारिके में मौला फाते रहे। अब मौला की जो फतह है एक दूसरे उनवान से भी है, जंगों में अली फाते रहे हैं,
मगर अली ने समाज और मुआशरे के ऊपर जो फतह हासिल की है। मौला अली का एक शागिर्द था जिस शागिर्द को एक शायर की हैसियत से बाद में पहचाना गया, अरबी का वो बहुत बड़ा शायर हुआ, वो मौला अली का शागिर्द था। एक दिन मदीने में आया, उसने मौला अली को पूछा, किसी ने कहा कि वो यहूदी के बाग में ज़िराअत का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, बागबानी का काम कर रहे हैं, लिहाजा वो मौला का शागिर्द जो बाद में अरब का सबसे बड़ा शायर हुआ, बड़े शायरों में उसका शुमार हुआ। तो वो उस बाग में पहुंच गया। बाग में पहुंचा उस वक्त था कि जिस वक्त मौला अली अपने घर से जो रोटियां लेके गए थे, देखिए दुनिया में जितने भी मजदूर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनका दस्तूर यह होता है कि घर से कुछ ले के जाते हैं, और उसके बाद जब निसफ दिन ख़त्म हो जाता है, आधा दिन ख़त्म हो जाता है, तो वो जो कुछ घर से लाते हैं उसे खा लेते हैं, पानी पी के फिर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। मौला भी इसी तरीके से अपने साथ में कुछ रोटियां लेके आए थे। जब आधा काम तमाम हो गया, आधा दिन हो गया, तो मौला अली ने हस्ब आदत अपने रूमाल को खोला और खोलने के बाद रोटियां नोश फरमाने जा रहे थे कि इतने में वो शागिर्द सामने आ गया, और उसके बाद खाते जा रहे थे और मौला उसके सवाल सुनते जा रहे थे और एक एक सवाल का जवाब देते जा रहे थे, एक एक सवाल का जवाब देते जा रहे थे। जब मौला ने उसके हर सवाल का जवाब दे दिया तो उस शायर ने कहा, जो मौला का शागिर्द भी था, उसने कहा कि या अली, आपके इमाम हक होने की सबसे बड़ी दलील यही है, आपके इमाम हक होने की सबसे बड़ी दलील यही है कि आप किसी के पास नहीं जाते हैं, दुनिया आपके पास आती है। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, यही आपके इमाम हक होने की सबसे बड़ी अलामत है। लिहाजा अली इमाम हक थे। मौला ने अमली तौर से दुनिया को बता दिया कि हक के ऊपर कौन है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं यह मजलिस पढ़ रहा हूँ और उसके बाद कुछ हालात ऐसे बने कि मैं ये कह के चला जाऊँ कि अब इस दरवाजे के ऊपर कभी नहीं आना है, और उसके बाद फिर हालात कुछ इस तरीके से करवट लें कि 10-20 साल के बाद फिर अगर इस जगह के ऊपर, इस दरवाजे के ऊपर हमें आना पड़े तो सच बताइए फातेह कौन होगा, जीता हुआ कौन माना जाएगा, हार किसकी होगी। इस दरवाजे की शिकस्त तो नहीं होगी, शिकस्त तो हमारी होगी। जब हम आएंगे दोबारा तो इस दरवाजे की फतह होगी, हम अपनी शिकस्त का खुद ऐलान करेंगे। बस अली की फतह का राज यही है कि जो सन 11 हिजरी में मुनहरिफ हुए थे, जो जाने वालों में सबसे आगे थे, 23 साल के बाद आने वालों में वो सबसे आगे थे। लिहाजा जो मजमा मुनहरिफ होके दरे अली से गया था, 23 साल के बाद वो मजमा फिर दरे अली के ऊपर आ गया। ये मजमा दरे अली पे नहीं आ रहा था, बल्कि अली के फतह का ऐलान कर रहा था, अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहा था। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली फातेह का नाम है। अली के मुकाबले में जो आएगा वो उसकी शिकस्त होगी, वो हार जाएगा। जब मौला अली के हुकूक जब्त किए गए, आपको ज़ाहरी हुकूमत से महरूम किया गया, जिस वक्त मक्के ये खबर पहुंची कि अली को खलीफे रसूल नहीं माना गया, बल्कि खलीफे रसूल किसी और को मान लिया गया, तो अबू सुफियान उछल गया और उछल के कहने लगा, कहाँ चले गए थे अली और कहाँ चले गए थे अब्बास, या ऐसा कैसे हो गया और कैसे अली और अब्बास को महरूम कर दिया गया। और उसके बाद उछलने के बाद ये मक्के से आया, शब के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में मदीने पहुंचा, और मदीने पहुंचने के बाद सबसे पहले इस्मत कदे के दरवाजे के ऊपर पहुंचा, और इसके अय्याराना हाथ इस्मत कदे के दरवाजे के ऊपर थत्तियां दे रहे थे। अंदर जो दाद थी वो इस्मत माँ हस्ती थी, इस्मत माँ हस्ती इसके हर मकर को समझ रही थी। लिहाजा वो जो मकर अय्यारी का मरकज था और निचोड़ था, मजमुआ था, वो दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ था। अली ने अंदर से कहा, कौन
इसने अपना नाम बताया। जैसे नाम बताया मौला बाहर आए, कहा किस लिए आए हो? कहा मौला, कहा या अली, मैंने सुना है कि आपको आपके हुकूक से महरूम कर दिया गया, हम आपके हाथ पे बैत करने के लिए आए हैं, देखते हैं कौन आपसे हुकूमत लेगा, कौन आपको महरूम करेगा। अली इब्ने अबी तालिब ने उस आने वाले से ये कहा कि देखो, तुम्हारी किसी भी हिमायत की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। मौला अली ने मुकम्मल तौर से, बुनियादी तौर से इनकार कर दिया, कहा तुम्हारी हिमायत की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया का कोई सियासी इंसान होता तो यकीनन इस वक्त हिमायत कबूल कर लेता, इस हिमायत का कोई फ़ायदा होता या न होता, मगर इतना फ़ायदा होता जाती हुई हुकूमत वापस आ जाते। मगर अली ने हिमायत लेने से इनकार क्यों कर दिया? इसलिए कि अली अगर हाकिमे दुनिया सिर्फ होते तो हिमायत ले लेते, मगर इनकार क्यों किया गया? अली हाकिमे दुनिया सिर्फ नहीं थे, इमाम मासूम भी थे। लिहाजा दुनिया का दस्तूर यह है कि दुनिया में जब भी दूसरे के हिमायत के ऊपर कोई हुकूमत बनाई जाती है तो जबान आपकी होगी, पैगाम उसका होगा, दिमाग आपका होगा, फिक्र उसकी होगी, अहकामात आप दे रहे होंगे, फैसले उसके होंगे। लिहाजा हिमायत अगर अली कबूल कर लेते तो हकीकत में वो अली की हुकूमत ना होती, वो अबू सुफियान की हुकूमत होती। एक सलावत जलिए मोहम्मद वाले। लिहाजा मौला अली ने हिमायत वापस लेके बता दिया कि अली सिर्फ हाकिम दुनिया नहीं है, इमाम मासूम भी है। लिहाजा इमाम मासूम होने की हैसियत से अली ने इनकार कर दिया। अब उसके बाद अली की मासूमाना नज़रें देख रही थीं कि ये मजमा जो आज मुनहरिफ हुआ है, ये एक न एक दिन हमारे दरवाजे के ऊपर वापस आएगा, और जब दरवाजे पे वापस आएगा तो जिस दिन वापस आएगा उस दिन इस मजमे की शिकस्त होगी और अली की फतह होगी। अजीज़ो यही वजह थी कि मौला अली ख़ुद फरमाते हैं कि उस दिन का तो मंजर ही और था कि जब मेरे हिस्नैन दबे जा रहे थे, मेरे हिस्नैन दबे जा रहे थे। हिस्नैन कहते हैं पैर के दोनों अंगूठों को। मौला फरमाते हैं कि मजमा इस तरह टूटा पड़ रहा था कि मेरे हिस्नैन यानी पैर के अंगूठे दबे जा रहे थे, और लोग कह रहे थे या अली, उम्मत में आपसे बल्कि अब इस वक्त कोई मुश्किल कुशाई करने वाला नहीं है, हम आपके हाथ के ऊपर बैत करना चाहते हैं। अली ने कहा बैत इस तरह नहीं होगी, चलो मस्जिद में चलो। और जब मस्जिद में मौला अली पहुंचे तो मौला अली मस्जिद में मिंबर पर आए, मिंबर पे उस जीने पे बैठे जहां रसूल अल्लाह बैठते थे, और बैठने के बाद मौला अली ने खुतबा दिया। खुतबे में आपने फरमाया कि मैंने इस दुनिया को 3 मरतबे तलाक दिया है, मुझे इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं, इस हुकूमत से कोई सरोकार नहीं है। अगर तुम कह रहे हो तो तुम अपने हाथों को उठाओ, मैं अपने हाथों को सामने कर रहा हूं, अगर तुम बैत करना चाहते हो तो बैत कर लोगे। देखिए, एक होती है हलफ़ वफादारी और एक है बैत। हलफ़ वफादारी और बैत में फ़र्क क्या है? अमलन फ़र्क यह है कि हलफ़ वफादारी उसको कहते हैं कि जहाँ बैत करने वाले का हाथ ऊंचा हो और बैत लेने वाले का हाथ नीचा हो। दुनिया में जितनी बैतें होती हैं उसमें हाकिम का हाथ नीचा होता है, बैत करने वाले का हाथ ऊंचा होता है। बस बैत और हलफ वफादारी में यही फ़र्क है, जहां बैत करने वाले का हाथ ऊंचा हो वो हलफ वफादारी है, और जहां बैत लेने वाले का हाथ ऊंचा हो वो हलफ वफादारी नहीं है, वो बैत इलाहिया है। इसीलिए मौला मिंबर पे बैठे, और मिंबर पे बैठने के बाद मौला ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद मजमे से कहा अपने हाथों को बुलंद करो। इधर मजमे ने हाथों को बुलंद किया, अली ने अपने हाथ को उनके हाथों के ऊपर रख दिया, मजमे का हाथ नीचा हो गया, अली का हाथ ऊंचा हो गया। कुरान ने बढ़ के आवाज दी, यदुल्लाह फौका अयदीहिम। दुनिया ये समझ रही है कि अली के हाथ पे बैत कर रहे हैं, ये अली के हाथ पे बैत नहीं है, ये दस्त खुदा पे बैत हो रही है। एक सलावत जलिए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम,
तो जब जब भी दुनिया के बातिल परत हुक्मरान हक के मुकाबले में आए तो हक का जो नुमाइंदा था वो फातह करार पाया। मौलाए कायनात अपनी हयात तैयबा में हर मारके में फातह करार पाए, और उसके बाद फिर इमाम हसन का ज़माना आया, इमाम हसन भी हर मारके में फातह करार पाए। एक मंजिल ऐसी आई कि एक साहब आए इमाम हसन के पास, जो इमाम हसन के चाहने वाले थे, और उन्होंने मशवरा दिया कि ये लोग हैं जो साजिशें कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें जेल में डाल दीजिए। दुनिया में दस्तूर यह है दुनिया की हुकूमत का कि जिससे ज़र्रा बराबर शक हो जाता है कि ये हमारी हुकूमत को हटाना और ख़त्म करना चाहता है, उसे फौरन कैद कर लिया जाता है ताकि वो तहरीक न चला सके। ये दुनिया के हुक्मरानों का दस्तूर है। इमाम हसन से मशवरा दिया गया कि ये लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, अगर आप इनको पकड़ के जेल में डाल दीजिए तो आपके ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं वो बंद हो जाएंगे। इमाम हसन ने कहा कि इस्लाम में जब तक इंसान से जुर्म सरदद न हो उस वक्त तक सज़ा नहीं दी जा सकती है। जब जुर्म किया ही नहीं है, सरदद ही नहीं हुआ है, तो कैसे हम उन्हें कैद कर लें और कैसे हम उन्हें सज़ा दें और जेल में डाल दें, ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद फिर इमाम हसन ने सुलह की, जब सुलह हुई इमाम हसन से तो तहरीरी सुलह थी, फिर लोगों ने कहा के फर्जंदे रसूल आपको अमीर शाम ने सुलह करके आपके साथ धोखा किया है, आपने धोखा आपको धोखा दिया गया है, अगर आप मुसालहत न करते तो इतना बड़ा धोखा न होता। इमाम हसन ने फिर फरमाया कि देखो इस्लाम में धोखा खाना जुर्म नहीं है, धोखा देना जुर्म है। खुदा के शुक्र यह है, अल्लाह का शुक्र यह है कि मैंने धोखा खाया है, किसी को धोखा दिया नहीं है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। जब इमाम हसन ने इस तरह से सुलह की, क्योंकि सुलह का मकसद क्या था, देखिए अहले बैत हों या अंबिया किराम हों, ये हुकूमत कब हासिल करते हैं? ऐसा नहीं कि अंबिया ने हुकूमतें नहीं की हैं, अंबिया में बहुत से नबियों को हुकूमत मिली है, तो ये कहना कि किसी ने हुकूमत नहीं की लिहाजा हुकूमत ये कर ही नहीं सकते थे, निज़ाम हुकूमत को चला ही नहीं सकते, नहीं, जनाब यूसुफ ने हुकूमत की, जनाब सुलेमान ने हुकूमत की, और अंबिया के हाथ में हुकूमत रही, और जनाब मूसा हाकिम रहे, मगर अंबिया और मासूमीन और अहले बैत हुकूमत कब कबूल करते हैं? देखिए अंबिया और मासूमीन का बुनियादी मकसद होता है दुनिया में इस्लाम को फैलाना और उसकी हिफाजत करना। अगर हुकूमत लेने में इस्लाम का फ़ायदा है तो अहले बैत हुकूमत ले लेंगे, और अगर हुकूमत छोड़ने में इस्लाम का फ़ायदा है तो अहले बैत हुकूमत छोड़ देंगे। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। लिहाजा इमाम हसन ने हुकूमत क्यों छोड़ दी थी? मुसालियत इसलिए की थी कि जो दीन की हिफाजत के तकादे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, लिहाजा इमाम हसन का बुनियादी मकसद है तहफ़्फ़ुज़ दीन करना, लिहाजा हुकूमत छोड़ दी गई और दीन की हिफाजत का जो बेड़ा था वो इमाम हसन ने उठा लिया। इमाम हुसैन का ज़माना जब आया तो दुनिया का दस्तूर यह है कि अगर कोई आदमी आपसे झगड़ा करने के ऊपर उतारू हो जाए तो आप की आखिरी कोशिश, अगर आप पढ़े लिखे समझदार संजीदा आदमी हैं, सामने वाला जब झगड़ा ही करने के ऊपर तुला हुआ है तो आपका मकसद क्या होता है? अगर आप संजीदा और समझदार हैं तो आप यही कहेंगे आखिरे वक्त तक सुलह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मुसालहत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लिहाजा दुनिया में जो समझदार लोग हैं, जो झगड़ालू लोग होते हैं, उनसे कोई सरोकार ही नहीं रखते हैं, और अगर सरोकार रखते भी हैं तो कोई मसला अगर ऐसा आ जाता है तो आखिर वक्त तक सुलह की कोशिश करते हैं कि जंग ना हो, झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो, सुलह हो जाए, मामला रफा दफा हो जाए। ये हर समझदार और ज़ी अक़्ल आदमी करने की कोशिश करता है। लिहाजा इमाम हसन के जो सुलह थी वो इसी जाविये में थे कि उम्मत के दरमियान में अगर उम्मत को झगड़ों से बचाना है तो बस एक ही रास्ता है कि मुसालहत करके हुकूमत दे दी जाए और झगड़ों से उम्मत को महफूज रखा जाए। लिहाजा इमाम हसन के सामने सुलह का रास्ता था, लिहाजा सुलह कर लिया। अब सुलह करने के बाद जब इमाम हुसैन का ज़माना आया तो सुलह नामे के ऊपर अमल नहीं हुआ, तो इमाम हुसैन के सामने
सिवाय क़याम के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए कि सुलह तो इमाम हसन कर चुके, अब सुलह की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई थी। इमाम हसन ने सुलह की शरायत सुलह भेजे गए, शरायत सुलह मंजूर भी हो गए, मगर किसी शर्त के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि हुसैन ने कहा अब सुलह नहीं होगी। बाबा से ज़बानी सुलह किया, कोई अमल नहीं किया। भैया से सुलह तहरीरी की गई, कोई अमल नहीं किया। लिहाजा अब जो सुलह नहीं होगी, अब होगी हमारे तुम्हारे दरमियान में फैसला कुन जंग, और ऐसी जंग होगी जो क़यामत तक के लिए नज़ीर रहेगी। और यही वजह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले हैं मदीने से, तो लोगों ने सवाल किया फरजंदे रसूल आप कहाँ जा रहे हैं, तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि मैं अपने नाना की उम्मत की इसलाह के लिए जा रहा हूँ। हकीकत यह है कि उम्मत का कोई झगड़ा ही नहीं था, झगड़ा जो कुछ था वो यजीद से था, टकराव यजीद से था। यजीद का जो फरमान आया था उस पर अमल वलीद ने किया था, तो इस टकराव में बस दो ही आदमी शामिल हो सकते हैं, या यजीद या वलीद, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं। जब पूछा गया आप कहाँ जा रहे हैं, तो इमाम ने फरमाया कि मैं अपने नाना की उम्मत की इसलाह के लिए जा रहा हूँ। फरजंदे रसूल, उम्मत से जब आपका कोई मुतालबा था ही नहीं, तो उम्मत से टकराव कैसे हो गया? आपका टकराव तो यजीद से होना चाहिए, आपका निशाना तो कसर यजीद होना चाहिए। इमाम जवाब देंगे, हाँ मेरा निशाना कसर यजीद होता, मगर कसर यजीद निशाना उस वक्त होता कि जब मेरा मकसद ज़मीन को जीतना होता, मुल्क को हासिल करना होता। मैं मुल्क जीतने के लिए नहीं जा रहा हूँ। फिर मौला आप किस लिए जा रहे हैं? कहा मैं अपने नाना की उम्मत के इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। ए फरजंदे रसूल, ये इस्लाह उम्मत का मसला कैसे उठ गया? तो अजब नहीं नवास है रसूल जवाब दे कि देखो इस दुनिया में जब यजीद आया था तो अल्लाह ने उसे यजीद नहीं बनाया, अल्लाह ने फिरौन को फिरौन नहीं बनाया, नमरूद को नमरूद नहीं बनाया। नमरूद मुआशरे की देन है, यजीद मुआशरे की देन है, फिरौन मुआशरे की देन है। क्यों ना उस मुआशरे की इस्लाह कर दी जाए कि जिसके देन का नाम यजीद है, ताकि कोई दूसरा यजीद ना उभर सके। यही वजह थी कि इमाम हुसैन ने जो इस्लाह उम्मत का नारा दिया था, इसका असर भी हुआ है। असर कितना हुआ है? अगर असर देखना है बस दो जुमलों में बात तमाम हो जाएगी। देखिए वाकई करबला से पहले क्या क्या हुआ। इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर शरीयत मोहम्मदी में जितने इख्तलाफ फैलाए गए, सब वाकई करबला से पहले के हैं। एक इख्तलाफ आप ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि जो वाकई करबला के बाद का हो। अब इस्लाम के अंदर जो शरीयत मोहम्मदी में इख्तलाफात फैलाए गए, उन इख्तलाफात में कौन कौन से इख्तलाफात हैं? मतलब पहला इख्तलाफ, हाथ खोल के नमाज पढ़ना, हाथ बांध के नमाज पढ़ना, ये इख्तलाफ वाकई करबला से पहले का नहीं है, ये वाकई करबला के पहले का है, बाद का नहीं है। अब इसके अलावा अलहम्द की जगह आमीन को लाया गया, ये इख्तलाफ वाकई करबला से पहले का है, बाद का नहीं है। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह को जुज़्व कुरान की हैसियत से निकाला गया और इनकार किया गया कि बिस्मिल्लाह जुज़्व कुरान नहीं है। तो फिर क्या हुआ? ये तब्दीली भी वाकई करबला से पहले की है। जुमे की नमाज बुध को पढ़ाई गई, ये भी तब्दीली वाकई करबला से पहले की है। हद ये हो गई कि शराब के नशे में शराब से वजू करके नमाज सुबह की इख्तिदा भी की गई, मगर ये भी वाकया वाकई करबला से पहले का है। ताज्जुब तो उन लोगों के ऊपर आता है जिन्होंने नमाज पढ़ ली, पढ़ाने वाले के ऊपर ताज्जुब नहीं। इसलिए कि जब वो पढ़ा चुका तो चीमी गोइयाँ शुरू हुई, तो उसने मुड़ के कहा था क्या कम पढ़ाई है, दो चार और पढ़ा दें। इसका मतलब ये है कि पढ़ाने वाली की जितनी गलती थी उससे ज़्यादा गलती तो उन पढ़ने वालों की थी। लिहाजा मुआशरा इस मंजिल के ऊपर पहुँच गया था। तो जितने इख्तलाफात और तब्दीलियाँ हैं सब वाकई करबला से पहले हैं। इमाम हुसैन ने देखा कि अगर यजीद जैसा हुक्मरा हो गया तो शरीयत मोहम्मदी का ढांचा ही बदल देगा, यानी हर अपने अमल को शरीयत का नाम दे देगा। और इसीलिए इमाम हुसैन से बैत लेना चाहता था। जब हुसैन बैत यजीद में आ जाते तो यजीद का हर फेल बना में शरीयत मशहूर
मशहूर किया जाता, बनाम दीन मशहूर किया जाता। लिहाजा इमाम हुसैन ने इनकार बैत किया और अपनी अजीम कुर्बानी दी है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वाकई करबला से पहले दुनियावी हुक्मरानों ने शरीयत में जो इख्तलाफात फैलाए थे वो फैला दिए। हुसैन की शहादत के बाद किसी बातिल परत हुक्मरान की इतनी जुरत न हुई कि शरीयत मोहम्मदी की तरफ मुड़ के देखता। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया का कोई हुक्मरान ऐसा न था कि जो फिर अपने कदमों को शरीयत इस्लामी की तरफ बढ़ाता। लिहाजा हुसैन की कुर्बानी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि शरीयत की तरफ बातिल परत हुक्मरानों के बढ़ते हुए कदमों को हुसैन ने रोक दिया क़यामत तक के लिए, और फिर इस्लाम में कोई इख्तलाफ रूनुमा नहीं हुआ। जहाँ पे मसला था वहीं पे ठहर गया। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ तक फतह का सवाल है, ए मौला, दुनिया का दस्तूर ये है कि जब कोई फातह होता है तो उसके हाथ में फतह का झंडा होता है। आप अगर फातह होंगे तो आपके हाथ में भी फतह का झंडा होना चाहिए, ताकि आप कसर यजीद के ऊपर लहरा सके। इमाम जवाब देंगे, हाँ झंडा होता अगर निशाना कसर यजीद होता। देखो हमारे हाथों में झंडा तो नहीं होगा, मगर हमारा निशान, हमारा कटा हुआ सर होगा, सर नोके नैजा के ऊपर मुअल्लक होगा, तिलावत कुरान का सिलसिला जारी होगा। यही कटा हुआ सर मेरी हयात का भी ऐलान करेगा, मेरे मकसद के तकमील का भी ऐलान करेगा, मेरी मजलूमियत का ऐलान करेगा। और जहाँ तक तुम झंडे की बात कर रहे हो, तो देखो मेरा बीमार बेटा जब करबला से शाम तक असीर करके ले जाया जाएगा तो उसके हाथों में मिहारे नाका होगी। अजीजों, जिसे मिहारे नाका कहते हो, ये मिहारे नाका नहीं है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में फतेह हुसैनी का झंडा है। दुनिया का ये पहला वाहिद जालिम बादशाह है यजीद, जिसने अपने काले कारनामों को करबला से शाम तक खुद आम किया है। लिहाजा अपने कारनामों को आम करके कयामत तक के लिए वो खुद जालिम की हैसियत से पहचाना गया, और हुसैन और हुसैन वाले मजलूम की हैसियत से पहचाने गए। यही हुसैन के फतह का ऐलान था। अजीज़ो, फतह हुसैनी का ऐलान इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किस तरह से किया है? देखिए, इमाम मासूम थे, लिहाजा सवाल उसी तरीके से है, जवाबात भी लिए जा रहे थे। जब कोई पूछता था आखिर आप हैं कौन, क्योंकि कहा यह गया था कि खारजी ने खुरूज किया है, लिहाजा जब इमाम को देखता था तो फौरन वो कहता था आप हैं कौन। जब वो कहता था आप हैं कौन, तो इमाम को मौका मिलता था। इमाम कहते थे तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। कहा आप कौन हैं? कहा तुमने कुरान पढ़ा है? कहा मैंने कुरान पढ़ा है। कहा कुरान में तुमने आये तथहीर पढ़ी है या नहीं, आये मुअद्दद पढ़ी है या नहीं, आये इस्तिग़लाब पढ़ी है या नहीं, कुरान के वो सूरे पढ़े या नहीं जो मैं बयान कर रहा हूँ? वो कहता था मैंने सब पढ़ा है, मगर इन आयतों से आपका क्या ताल्लुक है? अब इमाम सर झुका के कहते थे अन अब्न मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, अरे मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। अन अब्न अली अल मुर्तज़ा, अरे मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। अन अब्न फातिमत ज़हरा, अरे ये आयतें हमारे शान में नाजिल हुई हैं। पूछने वाला मुँह पे तमाचे मार के कहता था ए फरजंदे रसूल, हमसे तो ये बताया गया था कि खारजी ने खुरूज किया है, अरे आप तो नवासे रसूल है। इमाम फरमाते थे मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया, वो सामने कटा हुआ सर मुअल्लक है। इस तरह से फतेह हुसैनी का ऐलान हुआ। एक मंजिल वो आए कि इन असीरों ने तख्त यजीद की चूल्हे इस तरह हिला दी कि यजीद मजबूर हो गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रिहा करने के लिए। अजरकुम अल्लाह, बस दो तीन जुमले मसाइद के और बात खत्म हो जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया गया, इमाम यजीद के पास आए। यजीद ने इमाम से फरमाया कि देखो मैंने तुम्हें रिहा कर दिया, अब तुम हमारे कैदी नहीं हो, तुम्हें आज़ाद कर दिया गया, तौक कटवा दिया गया, जंजीरें खुलवा दी गई, इमाम मुकम्मल तौर से आज़ाद हो गए। कहा सैयद सज्जाद, अब तुम जा सकते हो। जब कहा तुम जा सकते हो, तो उसके बाद
यजीद ने इमाम जैनुल आबदीन से कहा कि तुम कहाँ रहना चाहते हो, तुम शाम में रहोगे या मदीने जाना चाहते हो? अगर मदीने जाना हो तो वहाँ का भी इंतजाम किया जा सकता है। अब इस मंदिर में इमाम फरमाते हैं कि अब इस मंदिर पे हम अपनी फूफी से मशवरा करेंगे, जब तक मेरी फूफी नहीं बताएगी उस वक्त तक फैसला नहीं होगा। इमाम कैद खाने की तरफ वापस आए, फूफी दरवाजे के ऊपर खड़ी हुए थे, भतीजे का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं मेरा भतीजा क्यों तलब किया गया है, क्यों बुलाया गया है। इसी अथना में इमाम जैनुल आबदीन आए तो क्या देखा, थौक नहीं था, जंजीरें नहीं थी। एक मर्तबे सवाल किया, ए बेटा सैयद सज्जाद, वो थौक क्या हुआ, वो जंजीरें क्या हुई? कहा बुबी अम्मा, अब आप असीर नहीं हैं, यजीद ने आपको रिहा कर दिया। ए बुबी, अब आप कैदी नहीं है, आप फातह कूफा व शाम हैं, यजीद ने आपको रिहा कर दिया। यजीद कह रहा है कि आप शाम में रहेंगे या मदीने जाएंगे? इमाम जैनुल आबदीन से कहा कि अगर हम रिहा हो गए हैं तो यजीद से कहो एक मकान खाली कराए। अरे अभी हम दिल खोल के अपने भाई पर मातम नहीं कर सके हैं, मकान खाली कराया गया। सैदानिया मकान में मुंतकिल हुए, 7 दिन तक मातम रहा। जब 7 दिन तक सब मातम बिछी रही तो इमाम जैनुल आबदीन ने कहा बूबी अम्मा, क्या मदीने न चलिएगा? इसलिए कि मदीने जाना जरूरी है। कहा बेटा, जो तुम्हारा हुक्म है वही मेरा फैसला है, जो तुम्हारा फैसला वही मेरा फैसला। ये कह के इमाम जैनुल आबदीन से कहा सवारियों का इंतजाम करा दो। इमाम जैनुल आबदीन यजीद के पास आए। अब जो सवारियों का इंतजाम हुआ तो वो ज़ैनब जो कल कैदी की हैसियत से आए थे, जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, आज वही ज़ैनब है जो शाम से जा रही है। आलम यह है कि पहरा बिठा दिया गया है, अरे कोई नामहरम निकलने ना पाए, इसलिए कि हुसैन के बहन सवार होने जा रही है। हरीरो देवा के पर्दे बड़े हुए थे, अरे इंतजाम वैसा ही था जैसा मदीने में अब्बास ने किया था। अरे ज़ैनब निकली, देखा हरीरो देवा के पर्दे, अरे रेशमी पर्दे पड़े हुए हैं अमारियों के ऊपर। एक मर्तबे जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए भैया, ये अमारियां, ये नाके, ये इंतजाम, ये पहरा, ये सब क्यों है? इमाम ने जवाब दिया, बुबी अब आप कैदी नहीं रही, अब आप फाते की हैसियत से जा रही हैं। कहा भैया, ये पहरा, ये इंतजाम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मदीने में अब्बास ने किया था। कहा इंतजाम तो वैसा ही है। कहा बेटा, मगर मेरा भैया तो नहीं है, इन महमिलों में कौन सवार करेगा? कहा बुबी अम्मा, मैं मौजूद हूँ आपको सवार करने के लिए। कहा नहीं भैया, ए बेटा ज़ैनुल आबदीन, अरे जब तक मेरा भैया ना जाएगा तब तक ज़ैनब इन नाफों पे सवार न होगी, इन महमिलों में न बैठेगी। यजीद से कह दो सियाह पर्दे की अमारियां भेजे। अरे सियाह पर्दे की अमारियां आए, जब अमारियां आए सैदानियां सवार होने लगी तो एक मर्तबे करबला का रो करके आवाज दे, ए अब्बास तुम मौजूद नहीं हो, अरे मुझे कौन सवार करेगा? इमाम ज़ैनुल आबदीन ने महमिल पे पुबी को सवार किया। अरे ज़ैनब जा रही है तो शिकस्त खा के नहीं जा रही है, फातह कूफा व शाम। ज़ैनब मशाम से रवाना हुई है, एक फातह की हैसियत है। अब जब जनाब ज़ैनब अर्ज़ करबला के ऊपर पहुंची तो आके भाई की कब्र पे गिरा दिया, आवाज़ दी भैया बहन लुट के आई है, ए भैया आपकी शहादत के बाद हमें तैयार बतैयार फिराया गया। वाह।